हिमाचल के मनाली में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी के साथ गाद और पत्थर आने से सड़कों पर मलबा जाम हो गया। माल रोड, बस अड्डा और वोल्वो स्टैंड में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि मनाली शहर की कई सड़कें टूट गई, जबकि कई वार्डों में लोगों के घरों और दुकानों में भी नालियों का पानी घुस गया। मनाली के माल रोड की ओर से जाने वाली सड़क पानी में बह गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। बारिश रुकने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। तो उसमें माल रोड और सब जगहों पर पानी घुसा, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक कई जगह नाले ने जो है अपना रास्ता बदला और पानी घुसा है। तो आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में है, हमारे सभी पार्षद 1 नंबर वार्ड से लेकर 6 नंबर वाले और ये वाइस चेयरमैन ये सब साथ में है और सब जगह जाकर देख रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है, तो बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। अभी हम एस्टीमेट वगैरह बनाएंगे और फिर उसके बाद इमीडिएट इसको ठीक कर लिया जाएगा। वहीं नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने बताया कि नालियों के ब्लॉक होने से ये पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे सड़क को नुकसान हुआ है। शहर में नालियों की व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम किया जाएगा। मनाली में एग्जैक्ट 4 बजे जो है बरसात बारिश स्टार्ट हुई थी, हैवी रेनफॉल हुआ है और हैवी रेनफॉल से जो है बहुत सारे नुकसान देखने में आया है। जैसे ये वाला पॉइंट देख सके, नगर परिषद ने अभी इसमें बहुत बड़ा बजट स्पेंड करने के बाद जो है ये गेट बनाया था, लेकिन उसके बाद जो है अभी जस्ट ये प्रॉपरली बना ही था थोड़े रोज़ पहले, अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें बहुत नुकसान हुआ है। ये जो साइड ड्रेन्स हैं इसकी ब्लॉकेज के कारण जो है सारा पानी यहाँ पर आया, सारी हमारी सड़क ध्वस्त हो गई है। अभी मैंने जो NH के SDO हैं इनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि लगभग कुछ 10 लाख रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है। बारिश से हुए नुकसान के बाद अब प्रशासन एक्शन में है और तेजी से सड़कों और नालियों की मरम्मत का काम हो रहा है।